नजर अगले चैप्टर का टाइटल। वीर बोला, बड़े सुंदर लग रहे श्रुति। श्रुति बस नजरें उठाकर वीर को देखती है, जैसे कह रही हो आपके साथ ने और निखार दिया है। जब आतिशबाजी बंद हो गई तो उसके बाद सभी बड़े बुजुर्ग आकर नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके बाद परिवार और दोस्तों के साथ ढेर सारी फोटोज खिंचवाई दोनों ने। इसके बाद रोहित और राजीव सभी को डांस फ्लोर की तरफ ले गए, जहां पर रोहित, राजीव और सनी ने एक गाना लगाया और तीनों ने उस गाने पर डांस किया, जिसे देखकर वीर खुश भी था और आश्चर्य भी हो रहा था कि ये उन्होंने कब तैयार किया। और फिर वीर ने उन्हें गले लगा लिया। फिर साक्षी, रजनी, कविता और बाकी सबने बारी बारी से डांस किया। इसके बाद रोहित धीरे धीरे सभी को डांस फ्लोर पर ले आया और सबसे ज्यादा खुश और मगन होकर बड़े पापा और बुआ जी नाच रहे थे। अंत में वीर को बड़े पापा और बुआ जी को वहां से साइड में बैठने को कहना पड़ा, क्योंकि दोनों की ही तबीयत खराब रहती थी। और फिर उन्होंने पानी पिलाया। बड़े पापा, वीर सच बड़ी खुशी हो रही है बेटा, दोनों हमेशा खुश रहना। वीर, पता है हमें बड़े पापा कि सबसे ज्यादा खुश आप हैं, पर आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना होगा ना, और आप कुछ खा लीजिए, दवाई ले लीजिए। बड़े पापा, हाँ जरूर। फिर वीर वहां से खुद ही उनके लिए हल्का फुल्का खाना ले आता है, क्योंकि बाकी सब तो डांस में बिजी थे और वीर उस वक्त ना तो किसी को डिस्टर्ब करना चाहता था और ना ही वेटर को बोलना चाहता था खाना लाने के लिए। साक्षी, पीहू, रजनी, प्रिया, संजना और बाकी के सभी बस खुश होकर डांस किए जा रहे थे। और फिर रोहित, वीर और श्रुति को फ्लोर पर ले आया और बाकी सब साइड हो गए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। दोनों ने डांस किया और फिर बाकी सब दोनों को देखकर तालियां बजा रहे थे। गाने के अंत में रोहित ने वीर के हाथ में गुलाब का फूल पकड़ाया और वीर अपने घुटनों के बल बैठकर श्रुति को गुलाब का फूल दिया और उसके बाद उठकर श्रुति के बगल में खड़ा हो गया। श्रुति धीरे से, आई लव यू वीर, आई लव यू टू। उसके बाद सभी वहां से अलग हो गए और एक राउंड टेबल पर श्रुति और वीर एक साथ और बाकी सभी उनके अगल बगल बैठ जाते हैं और खूब देर तक हंसी मजाक करते रहते हैं। अंत में सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और सभी धीरे धीरे घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अंत में वीर, रोहित, सनी और राजीव बच जाते हैं वहां और वो भी सारा सामान और गिफ्ट्स वहां से घर पहुंचा देते हैं। रोहित, तो भाइयों अब हो गए फ्री, तो क्या बेचारे हाँ। सनी, अब तो कल सोना ही है पूरे दिन, तो आज की रात तो जाकर बताएंगे। राजीव, ये हुई ना बात। चारों फिर वहां से निकलकर मयूर विहार में एक ही जगह गाड़ी रोक देते हैं। रोहित, सुन वीर तो थोड़ी देर श्रुति से बात कर ले, फिर ज्वाइन कर लियो हमें। वीर, सो गई होगी यार। रोहित, बिल्कुल नहीं, तू एक बार बात तो करके देख, उसे पता है हम साथ हैं इसलिए फोन नहीं कर रही होगी। वीर, ठीक है, और साइड में जाकर श्रुति को फोन लगाता है। इधर ये तीनों बातें करने लगते हैं और वीर का इंतजार कर रहे होते हैं। वीर, हेलो श्रुति। श्रुति, हां जी कहिए। वीर, घर पहुंच गए आप? श्रुति, हाँ, और आप कहाँ हैं? वीर, घर के पास ही हूं पर घर पर नहीं। श्रुति, अच्छा। वीर, तो कैसा लग रहा है? श्रुति, नहीं बता पाऊंगी, शब्द ही नहीं है मेरे पास। पता है जिस दिन पहली बार आपको देखा था ना, उसी पल दिल तेजी से धड़क उठा, पर खुद को समझाया कि ये सिर्फ क्रश है। पर जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीतता ना, आपके साथ पता चल गया कि आप ही हो जिसके संग पूरी जिंदगी बितानी है। और आप बताइए, खुश तो है ना आप? वीर, बहुत खुश हूं, अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को जी रहा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। श्रुति, वीर, वीर, हाँ क्या हुआ? श्रुति, आई लव यू। वीर, आई लव यू टू। श्रुति, वीर सुबह मिलोगे? वीर, जी बोले, कोई बात नहीं, बस मिलना था। वीर, सुबह ही बताऊंगा, अभी आप सो जाओ, थक गए होगे। श्रुति, ठीक है, गुड नाइट, लव यू। वीर, लव यू टू, गुड नाइट। दोनों फोन काट देते हैं। वही श्रुति बस आज के बारे में सोच रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, और जाने कब वो नींद की आगोश में चली गई। उधर वीर ने भी फिर बाकी तीनों को ज्वाइन किया। रोहित, अच्छा एक बात बता, शादी यही दिल्ली में या गांव में करेगा? वीर, गांव में, बाकी बड़े पापा और बाकी सबसे बात करके देखते हैं। और सनी, तू शादी में आ रहा है ना, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? सनी, क्या मतलब आ रहा है? मैं जा कर आ रहा हूँ, अगले 3 महीने हम दोनों इंडिया में ही हैं, बस थोड़े दिन गांव में बिताऊंगा और फिर घूमना है बस,
अपना देश अपने लोग देखने। वीर, ये हुई ना बात मेरे भाई। सनी, बस तो शादी जल्दी कर ले। वीर, बिल्कुल मेरे भाई, अब तो वाकई जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मिस करे मेरी शादी। चारों सुबह तक वहीं बैठे बातों में लगे रहते हैं। रोहित और राजीव अपने अपने किस्से सुना रहा था, सभी एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय कर रहे थे। सुबह के वक्त चारों चाय पीते हैं और फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के साथ ही चारों घोड़े बेचकर सो जाते हैं। दोपहर के वक्त वीर की नींद खुलती है और वो फ्रेश होकर बाकी सबको भी उठाता है और खुद बाहर सबके साथ आकर बैठ जाता है। बड़े पापा, वीर शाम में पंडित जी और श्रुति की पूरी फैमिली आ रही है, तो आप ही घर पर ही रहना और आज ही हम शादी की डेट फाइनल कर देंगे। वीर, जी बड़े पापा। वीर वहां से चाय पीकर चाची के पास जाता है। वीर, चाची कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? प्रीति, नहीं वीर, हम ठीक हैं। वीर, पक्का ना? प्रीति, और नहीं तो क्या, आपकी वजह से कोई हमें बेड से भी नहीं उतरने दे रहा। वीर, चाची अब आप तो अपना ध्यान रखती नहीं है, किसी को तो रखना पड़ेगा ना। प्रीति बस उसके सर पर हाथ रख देती है। इसी बीच शिखा, रजनी और साक्षी भी आ जाते हैं। शिखा, तू तो श्रुति से मिलने नहीं गया? वीर, क्यों? शिखा, आज तो तू गया, सुबह से कितने कॉल किए उसने, जानता भी है तू, और तू मस्त सो रहा था और अभी भी तेरा फोन गायब है। वीर, अब शाम में मिल ही लूंगा ना, क्या दिक्कत है? शिखा, तो ये बात उसे फोन करके बता देना, परेशान हो रही होगी। वीर, बता दूंगा। प्रीति, वीर ऐसे परेशान मत करो उसे, जो भी बातें होती है ना क्लियर करके बोल दिया जाए, वरना वो परेशान होती रहेगी और ये अच्छी बात नहीं है। वीर, ठीक है चाची, और उठकर श्रुति से बात करने चला जाता है। शिखा, क्या बात है मासी, आपकी बात तो बड़ी जल्दी मान गया। साक्षी, अब हमारी चाची है इतनी प्यारी और इनकी बात वीर टाल जाए, हो ही नहीं सकता। शिखा, सच चाची, ये वीर ना आप सबसे बड़ा प्यार करता है, आप सब में इसकी जान बसती है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि ये आप सबसे इतने दिन दूर कैसे रह गया। साक्षी, हमारी श्रुति की वजह से, उसी ने इसे यहां संभाला, और दूसरा ये अकेले थोड़ी ना था, इनके पार्टनर रोहित भैया जब दोनों साथ थे ना तो किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है इन्हें। रोहित, कोई छुटकी सी बच्ची मेरी शिकायत कर रही है? हाँ। साक्षी, लो जी, नाम लिया और शैतान हाजिर। रोहित, इतना याद मत किया करना, हिचकी आती रहती है मुझे। साक्षी, भैया आप कभी चुप नहीं रह सकते ना। रोहित, तू भी तो नहीं रहती ना चुप। रजनी, अरे अब ये हो जाएगा चुप, प्रिया आ गई ना इसे शांत करवा देगी। रोहित, क्या दीदी आप ना, प्रिया को बीच में क्यों ला रहे हो। साक्षी, मतलब आप डरते हो भाभी से? हाँ। रोहित, अरे मेरी छुटकी क्यों इतना बोल रही है। साक्षी, देख लो आप सब सीधे सीधे जवाब ही नहीं दे रहे, मतलब डरते हैं। सभी बैठे हैं, बस बातों में लगे रहते हैं और साक्षी रोहित की नोकझोंक चलती रहती है।